सोचता पहले, सोचता समझता बाद। तो देखो गाइस, अजय देवगन की औरों में कहां दम था फिल्म रिलीज होने वाली थी 5 जुलाई को, लेकिन अब ये फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है और अब जो फिल्म की नई रिलीज डेट बताई गई है वो है 2 अगस्त। जुलाई मंथ में लगभग 3 से 4 फिल्में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं जिनको स्क्रीनिंग नहीं मिल रही है प्रॉपर। पहली तो दोस्तों कल्कि की वजह से मेन रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन गेन करके बैठी है, वो पैन इंडिया फिल्म है, इस वजह से स्क्रीनिंग नहीं मिल रही है। किल एक शानदार फिल्म थी, उसको भी इतनी स्क्रीनिंग नहीं मिली। उसके बाद 12 जुलाई को सरफिरा और बेदा नाम की फिल्में आ जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों आपको बता दें कि 19 जुलाई को भी कुछ फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं और फाइनली 2 अगस्त को आने वाली है औरों में कहां दम था। और ये फिल्म भी 2 फिल्मों से क्लैश करेगी। एक पहली फिल्म है द साबरमती रिपोर्टर और दूसरी फिल्म होने वाली है दोस्तों जानवी कपूर की उलझा नाम की एक फिल्म आ रही है। अगर हम बात करें इन दोनों फिल्मों के bookmyshow.com पर इंटरेस्ट की, तो दोनों फिल्मों के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार लोग इंटरेस्टेड हैं। जबकि बात करें औरों में कहां दम से फिल्म की, तो उसे देखने के लिए करीब लगभग 20 हज़ार के आसपास लोग इंटरेस्टेड हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अजय देवगन इस समय काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं और क्लैश किंग कहीं ना कहीं दोस्तों एक बार फिर से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं बॉक्स पर। लेकिन अगर पहले दिन 10 करोड़ का आंकड़ा पार करना है और उन्हें कहा दम था फिल्म को अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग दिलानी है, तो कम से कम दोस्तों आपको बता दें कि इसे ऑल ओवर इंडिया में 80,000 से 1,00,000 लोग देखने जाते हैं, तब ये फिल्म कहीं ना कहीं 10 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग ले पाएगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो वो फिल्म बहुत लो ओपनिंग लेगी और जो है औरों में कहां दम था, क्योंकि इसकी उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों के अंदर। फिल्म का कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन ऑडियंस के अंदर ये फिल्म कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट नहीं जगा पा रही। जैसे कि कल की फिल्म थी, उस फिल्म को बहुत ग्रैंड ओपनिंग मिली थी, उसी तरह का कुछ इस फिल्म को भी करना होगा। लेकिन अजय देवगन की जो फिल्में होती हैं वो वर्ड ऑफ माउथ पर चलती हैं, यानी पहले दिन फिल्म का कलेक्शन भले ही लो रहे लेकिन आगे आने वाले दिन में फिल्म का कलेक्शन बढ़ता है और उनकी फिल्में सुपरहिट होती हैं। लेकिन द साबरमती रिपोर्टर और उलझा फिल्म को भी हमें कहीं ना कहीं दोस्तों एक ऐसी फिल्म नहीं माननी चाहिए जो कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं कर पाएंगी। दोनों फिल्मों का कंटेंट अच्छा लग रहा है टीजर के हिसाब से। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब फिल्में आती हैं तो वो कितनी बेहतरीन कमाई करती हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन की औरों में कहां दम था फिल्म जो है वो बहुत क्लैश करेगी और इसे स्क्रीनिंग भी कम मिलने वाली है। कम से कम इसे दोस्तों बताया जा रहा है कि 3,000 स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग है, बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा कि कितनी फिल्में रिलीज़ हुई हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म 10 करोड़ की ओपनिंग अपने पहले दिन ले पाएगी और क्या आप इसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाने वाले हैं? नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।